first sports minister, sports person है जो मंत्री बने हैं, sports minister बने हैं. So that has given you an edge over the, आपको you know बिल्कुल जो problems, कैसी कैसी problems है that you have now identified and you are handling. सबसे पहले तो अगर आप हर खेल मंत्री से पूछिए तो सब बोलेंगे हम सभी खिलाड़ी हैं. तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि वो खिलाड़ी नहीं थे. और जरूर आप खेल किसी भी लेवल पे आपने खेला हो, अगर वो जज्बा है और वो इच्छा शक्ति है कुछ करने की तो आप खिलाड़ी हैं. खेलों में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज दिलाना. जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ. दो हफ्ते पहले हमारी एक बैठक हुई गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वहां पर जो कुछ एक पॉइंट था डिस्कशन का, जिसमें इंडियन कोचेस को जो सैलरी दी जाती है उसकी सीमा तय करी हुई थी. देयर वाज अ सीलिंग कि इससे ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी. फॉरेन कोचेस को जैसी तनख्वाह वो चाहते हैं वैसी तनख्वाह मिलती है, $15,000 प्रति माह, $10,000 प्रति माह, और इंडियन कोचेस को ₹1,00,000 प्रति माह. उसको हमने 100% उसको इनहेंस करा. हमने कहा कि ये 1,00,000 नहीं है, इमीडिएटली इसको 100% आप इंक्रीज करिए. और डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी दी कि इससे आगे भी केस टू केस बेसिस पे आप उसको और बढ़ाइए. तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं बट अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती हैं. जैसे नेशनल अकेडमीज के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनका उस बैठक से पहले था कि ₹225 खाने पे खर्च होगा प्रतिदिन, और जो इंडिया टीम के खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ₹690. अब मैंने कहा कि जो 19 साल का 21 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको तो आप ₹690 दे रहे हो, और जो 14-15 साल का बच्चा है उसको ₹225 दे रहे हो, ये कहां का इंसाफ है. तो हमने उसी बैठक में उसको ₹450 बढ़ाया, और एक हमने कमेटी और बनाई कि अगर और रिकमेंडेशन चाहिए आपको तो हम उसको और बढ़ा देंगे. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट अपने आप में बहुत फर्क पड़ता है. अब नेशनल अकेडमीज के अंदर सिर्फ 225 से ₹450 ले जाने में भारत सरकार का ₹65,000 करोड़ खर्चा और बढ़ जाता है. बट वी आर प्राउड टू स्पेंड दिस मनी इफ इट मीन्स स्ट्रेंथनिंग आर यंग जनरेशन. इट्स एज सिंपल एज दैट.